हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार साथियों, मैं चंदन सर स्वागत करता हूं आप सभी का गोल्डन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज से हम लोग 12th क्लास की केमिस्ट्री प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं। बहुत सारे छात्रों का यह मानना होता है कि केमिस्ट्री काफी टफ सब्जेक्ट है, इसको समझना बड़ा ही मुश्किल होता है, इसमें बड़े बड़े रिएक्शन आ जाते हैं, बड़े बड़े फॉर्मूले वगैरह आ जाते हैं। तो मेरा यह आपसे कहना है कि आप इस चैनल पर जुड़ करके देखिए। अभी से हम लोग 12th क्लास की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम सॉलिड स्टेट है, यह प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं। हर एक चैप्टर को हम इतने रोचक ढंग से आपको पढ़ाएंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि कब हमारा चैप्टर शुरू हुआ और कैसे हमने समाप्त कर लिया। आपको ये सारी वीडियोस YouTube पर फ्री में दी जा रही है। YouTube पर प्लेलिस्ट क्रिएट किया जा रहा है जिसमें हर एक चैप्टर का जितना सारा वीडियो होगा चैप्टर वाइज हम उसको अलग अलग कर देंगे, जिसमें आपको पढ़ाई करने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, वीडियो को ढूंढने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो जो भी छात्र हमारे चैनल पर नए जुड़े होंगे वे कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि आज से हम लोगों का 12th क्लास का केमिस्ट्री प्रारंभ हो रही है जिसमें पर डे एक एक वीडियोस आपको दिए जाएंगे और बीच बीच में लाइव क्लास लिया जाएगा, जिस लाइव क्लासेस में आपको जितने सारे डाउट्स होंगे आप वो कमेंट करोगे और मैं यहां पे लाइव में आपका आंसर दूंगा। चलिए समय नहीं गवाते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सॉलिड स्टेट हिंदी में ठोस अवस्था। तो सबसे पहली बात यह हम लोग जान जाते हैं कि इस ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट चैप्टर में, इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। यदि इसके बारे में जानकारी रहेगी तो हमें सिलेबस को सिस्टमेटिक ढंग से कवर करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले यहां पे देख सकते हो आप, हमने आपके लिए एक पीडीएफ तैयार कर दिया है। जैसे सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में सबसे पहले हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे ठोस अवस्था, यानी ठोस अवस्था क्या है, सॉलिड किसे कहा जाता है। ये जैसे आपने पढ़ा होगा पदार्थ की मुख्यतः तीन अवस्थाएं, सॉलिड लिक्विड गैस, आपको यहां पे पढ़ना है। उसके बाद बंध के आधार पे सॉलिड का वर्गीकरण, बंध के आधार पे सॉलिड का वर्गीकरण किस किस प्रकार से किया जाता है यहां मेरे को देखना है। फिर आपको दो तरह के सॉलिड यहां पे पढ़ना है, एक क्रिस्टलीय सॉलिड, दूसरा अक्रिस्टलीय सॉलिड, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद 2D के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे 3D के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, वहां से आगे बढ़ेंगे एकक कोशिका मतलब यूनिट सेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यूनिट सेल पढ़ने के बाद आप उसका डेंसिटी के बारे में पढ़ोगे। यहां पे आगे बढ़ेंगे फिर ठोसों में संकुलन मेरे को देखना है, रिक्तिकाएं देखना है, बिंदु त्रुटियां देखना है, विद्युतीय एवं चुंबकीय गुण देखना है सॉलिड में। फिर आगे बढ़ेंगे धातु चालकता देखना है मेरे को। फिर इसके आगे बढ़ोगे चालक, अचालक, अर्धचालक यानी कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, ये सभी चीजों के बारे में पढ़ना है आपको यहां से। अब जब इस तरह से हम लोगों का एक बेस तैयार हो गया कि कौन कौन से टॉपिक को हमें किस प्रकार से पढ़ना है, तो बिना समय गवाए हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहला हमें जानना है सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था कहां किसे जाता है। इसमें सबसे पहले हमको जानना है मैटर यानी पदार्थ। पदार्थ किसे कहा जाता है, पदार्थ का गुण क्या क्या होता है, इसे कितने भागों में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, पदार्थ हम सभी ने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा या बचपन से हम लोगों ने पढ़ा होगा, दुनिया की वे सारी चीजें जो स्थान घेरे, रुकावट डाले, जिसमें द्रव्यमान होता हो वे पदार्थ कहलाते हैं। जी हां, दुनिया की वे सभी चीजें जो स्थान घेरे, रुकावट डाले, जिनमें द्रव्यमान हो, जिन्हें हम अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, ये सभी के सभी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप लकड़ी, कोयला, टेबल, बेंच, डेस्क, इन सभी चीजों में द्रव्यमान होता है, इसे आप माप सकते हो, ये रुकावट भी उत्पन्न करता है, ये स्थान भी घेरता है, तो हम कह सकते हैं ये सभी का सभी चीज पदार्थ है। एक चीज आप ध्यान से समझिएगा, जब 11th क्लास का सबसे पहला चैप्टर प्रारंभ होते हैं तो वहां पे बताया जाता है ये ब्रह्मांड, ध्यान से समझिए, थोड़ा सा उसके बारे में भी मैं चर्चा कर दूं। अगर भी हम चर्चा करने के लिए चलें ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का निर्माण मुख्य रूप से दो चीजों से मिलकर होता है। एक हमारा होता है पदार्थ, ब्रह्मांड के निर्माण में जो अहम भूमिका निभाता है वो है हमारा एक पदार्थ, और दूसरा है ऊर्जा। पदार्थ दुनिया की भी सारी चीजें जो स्थान घेरे, रुकावट डाले, जिनमें द्रव्यमान होता हो,
वे पदार्थ कहलाते हैं, लेकिन जिनमें ये चीजें नहीं होंगे वे ऊर्जा कहलाते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, लकड़ी है, मार्कर है हमारे हैंड में, कॉपी कलम कुछ भी आप ले लेते हो, ये सभी के सभी क्या है, पदार्थ। ये रुकावट डालता है, इसमें द्रव्यमान होता है, ये स्थान घेरता है, तो हम ये कहेंगे कि सर ये मार्कर आपका क्या है, पदार्थ है। लेकिन यदि मैं बात करूं ध्वनि, ये क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश, यह क्या है, ऊर्जा है। विद्युत धारा, ये क्या है, ऊर्जा है। तो ध्यान से समझना, ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में मुख्य रूप से दो चीजें हैं, एक साइड में हमारा पदार्थ है तो दूसरी तरफ में हमारा ऊर्जा है। दुनिया की वे सारी चीजें जो स्थान घेरी, रुकावट डाले, जिनमें द्रव्यमान होता हो वे पदार्थ कहलाते हैं, और जिनमें ये गुण मौजूद नहीं होंगे वो ऊर्जा कहलाते हैं। जब आप केमिस्ट्री में पढ़ने के लिए जाओगे तो यहां पे हमको मेनली पदार्थ के बारे में पढ़ना पड़ता है। कैसे, अब पदार्थ, पदार्थ का दुनिया में जितने भी पदार्थ है उसका निर्माण छोटे छोटे कणों के मिलने से होता है, इसी को आप अणुपरमाणु आयन में कन्वर्ट करते हो, हाँ या ना। तो आप यहां पे अनुपरमाणु आयन कहां पे पढ़ोगे, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। लेकिन प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा यानी साउंड चैप्टर हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हो जाए, लाइट चैप्टर हो जाए, मैग्नेट हो जाए, इन सभी चीजों के बारे में मेरे को कॉपी करना है, फिजिक्स में चर्चा करनी है। तो अभी जो मैं आपको ये बता रहा था पदार्थ के बारे में, तो दुनिया की वे सारी चीजें जो स्थान घेरी, रुकावट डाले, जिनमें द्रव्यमान होता हो वे पदार्थ कहलाएंगे, जिनमें ये गुण नहीं होता है वो ऊर्जा कहलाते हैं। दोनों का मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया। अब हम लोग यहां पर चलते हैं पदार्थ, पदार्थ का मैंने परिभाषा भी लिख दिया है, जिन बच्चों को नोट्स बनाना होगा वे नोट्स भी आसानी से बना सकते हैं, कॉपी कलम आप लेकर के बैठोगे। हर एक टॉपिक के बारे में पूरा का पूरा मैं यहां पे विस्तार से उसका आंसर दूंगा, उसके बाद आपको पूरा का पूरा विधिवत ढंग से समझाया जाएगा। फिर भी किसी भी प्रकार की आपको समस्याएं होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मेरा कोशिश रहेगा कि आपके हर समस्या को दूर किया जाए। और हां, इतना ही नहीं, आपको ये आ रहा है, उसके बाद जितने सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स का सीरीज चलेगा, साथ ही साथ एनसीईआरटी का फुल टू फुल सॉल्यूशन, मतलब एक नंबर से लेकर के जितना नंबर तक आपका सवाल रहेगा, एक एक सवाल का सॉल्यूशन इस चैनल पर आपको मिलने वाला है। तो ध्यानपूर्वक इस चैनल से जुड़ करके अब आप पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए आप देखिए, पदार्थ, पदार्थ के बारे में मैंने क्या लिखा, दुनिया की वे सारी चीज जो स्थान घेरता हो, जिनमें द्रव्यमान होता हो तथा जो रुकावट उत्पन्न करता हो, ये पदार्थ कहलाता है। अब हम लोग पदार्थ का वर्गीकरण करते हैं, पदार्थ का बंटवारा करते हैं कि पदार्थ को आप कितने भागों में बांट सकते हैं। तो यदि मैं बात करूं पदार्थ का वर्गीकरण करने के बारे में, तो यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, पदार्थ को दो तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है। अगर दी हमारे पास में यह पदार्थ है, इस पदार्थ को आप दो तरह से मुख्यतः बांट सकते हैं। एक होता है भौतिक, भौतिक अवस्था के आधार पे, और दूसरा होता है रासायनिक। यानी अगर यदि मैं बात करूं इसको दूसरे लैंग्वेज में, कह सकते हैं एक अवस्था के आधार पे आपको वर्गीकरण करना है, वही दूसरे लैंग्वेज में बनावट के आधार पर वर्गीकरण करना है। इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सर ये अवस्था के आधार पर ये मेरा भौतिक वर्गीकरण कहलाएगा, और बनावट के आधार पर ये हमारा रासायनिक वर्गीकरण कहलाएगा। कंप्लीट हो जाता है, यानी पदार्थों का वर्गीकरण यहां पे दो तरह से किया जाएगा, एक भौतिक वर्गीकरण, दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। यदि मैं बात करता हूं भौतिक वर्गीकरण के बारे में, तो भौतिक वर्गीकरण का मुख्य रूप से तीन पार्ट आपको पढ़ना है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर सवाल यह है पदार्थ की कितनी मुख्य अवस्थाएं कितनी है, तो मुख्य अवस्थाएं तीन है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। लेकिन अगर हमसे सवाल पूछा जाए कि कुल कितनी अवस्थाएं, तो पांच अवस्था है, जिसमें चौथी अवस्था का नाम प्लाज्मा है और पांचवी अवस्था का नाम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है। कंप्लीट। तो अब यहां पर से ही हमारा 12th क्लास का सबसे पहला चैप्टर निकल करके आ रहा है, कौन सा, यहां पे सभी को दिखाई देगा, सॉलिड स्टेट हमने चर्चा किया ना, ठोस। तो जब तक हमको इस ठोस के बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी तो हम सॉलिड स्टेट का अध्ययन विस्तार पूर्वक नहीं कर पाएंगे।
तो अब आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि ठोस हमारा कहां से आया। तो जब मैं यहां पर लिख ही दिया हूं तो इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। यहां पर हमने बनावट के आधार पर चर्चा किया ना कि ये मान लो पदार्थ है। आप एक बात कहोगे, सर यह पदार्थ या तो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या फिर गैस होगा। पहला तो यह अवस्था के आधार पर आपने बंटवारा किया। यदि मैं इस पर बात करूं कि ये बनावट के आधार पर कितने भागों में बटेंगे तो यहां पे भी तीन पार्ट में बटेगा। कौन कौन सा, तो इसके बारे में भी ध्यान से समझिएगा। एक हमारा जो पार्ट बनेगा, एक हमारा पार्ट बनेगा तत्व, दूसरा बनेगा यौगिक और तीसरा हमारा बनेगा कौन सा, मिश्रण। बात समझ में आई? यानी यह अगर पदार्थ है तो आप कहोगे सर यह पदार्थ या तो हमारा तत्व होगा या फिर यौगिक होगा या नहीं तो मिश्रण होगा। इसका भी हम वैसे आपको इस चैप्टर में पढ़ना नहीं है, लेकिन अगर चर्चा हो गई है तो इसको भी जान ही जाते हैं। कारण कि हर टॉपिक केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको अगर दी कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप चाह करके भी इस सब्जेक्ट को रट नहीं सकते हैं। आज आपको कॉन्सेप्ट लेना है कि आपको 6 महीना बाद लेना है। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो 12th यानी केमिस्ट्री आप विधिवत ढंग से पूरा का पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज ध्यानपूर्वक वीडियो को देखेंगे। अभी मैंने तत्वयोगिक मिश्रण के बारे में चर्चा किया। वे पदार्थ जिसका निर्माण परमाणुओं के मिलने से होता है या एक जैसे कणों के मिलने से होता है वो हमारा तत्व कहलाएगा। जब दो या दो से अधिक एक तत्व एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होंगे, निश्चित अनुपात में संयोग करेंगे तो वो हमारा यौगिक कहलाएगा। और अगर किसी भी अनुपात में अर्थात अनिश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तो उससे मिश्रण का निर्माण होता है। एग्जाम्पल के रूप में मैं लिख रहा हूं यहां पे, एग्जाम्पल के रूप में तत्व के रूप में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, ये सभी के सभी क्या है, तत्व है। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने के बाद हमारा बनते हैं जल। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो यह जल का निर्माण करता है। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात में संयुक्त तो होता है। यदि मैं देखूं यहां पे H2O तो यहां पे यदि आयतन के आधार पे आपसे पूछा जाए जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या अनुपात है तो आप बोलोगे सर जी 2:1 में है। यानी 2 भाग हमारा हाइड्रोजन का है और 1 भाग हमारा किसका है, ऑक्सीजन का है। तो अनुपात तो निश्चित हो गया। कभी आप जल का फॉर्मूला H3O नहीं लिख सकते हो या H2O नहीं लिख सकते हो। जब भी मेरे को जल बोलना है तो इसका मतलब हाइड्रोजन हमारा 2 और ऑक्सीजन हमारा 1 आएगा। वही यदि मैं भार के बारे में चर्चा करूं कि भार के आधार पर जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का क्या अनुपात होता है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि सर आपके पास में कौन सी चीज पूछा गया है कि जल है ना हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना ग्राम है, 1 ग्राम। यहां पर हाइड्रोजन संख्या कितनी है, 2। तो 2 × 1 करेंगे तो 2 ग्राम हो जाएगा अनुपात ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16 ग्राम। तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 ग्राम। तो यहां पे जब आप इसको कटाने के लिए जाओगे 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16 यानी 1:8 के रूप में यह संयुक्त रहता है। तो हम यह कह सकते हैं जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन आयतन के आधार पे 2:1 में संयुक्त हैं, वही भार के आधार पे 1:8 के रूप में संयुक्त होते हैं। तो यानी कि आपका तत्व यानी ऐसा पदार्थ जिसका निर्माण एक जैसे कणों के मिलने से होगा वो तत्व कहलाएगा। जब तत्व बन गया, 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में अभिक्रिया करेगा तब कुछ बनाएगा तो यौगिक का निर्माण करता है, और बिना अभिक्रिया किए अर्थात अनिश्चित अनुपात में मिलेगा तो यह मिश्रण का निर्माण करता है। जैसे हवा हमारा एक मिश्रण है। यदि मैं बात करूं हवा के बारे में तो आप खुद से सोचो क्या हवा में हाइड्रोजन गैस नहीं है, ऑक्सीजन गैस नहीं है। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिला हुआ है तो क्या यहां पर कोई निश्चित अनुपात है कि इतना ग्राम हाइड्रोजन और इतना ग्राम ऑक्सीजन है, ऐसा नहीं है। लेकिन जल के बारे में आपने चर्चा किया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात में संयुक्त थे, कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों का सिर्फ एक बेसिक आइडिया मिला कि पदार्थ क्या है, आप पदार्थ को वर्गीकृत किस प्रकार से करते हो, और वर्गीकृत करने के बाद हमको ठोस की प्राप्ति हो जाती है, और हमारा 12th क्लास का पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट कंप्लीट। तो अब हम लोग सॉलिड स्टेट में आगे बढ़ रहे हैं। पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं तो अभी आपने पढ़ा,
पदार्थ की मुख्यतः कितनी अवस्थाएं होती है? तो पदार्थ की मुख्यतः तीन अवस्थाएं हुई आपके पास में। पहला नंबर में हमारा कौन सा आया? सबसे पहला नंबर हमारा आया सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और नंबर तीसरा में है गैस। इन सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में यदि आप आगे बढ़ोगे, क्या ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है, इसके गुण क्या क्या होते हैं, तो इसके बारे में अब हम लोग अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का देखना है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। चलिए यहां पे देखिए पदार्थ की अवस्थाएं। अभी मैंने क्या बोला, पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं उसका निर्माण, उसके निर्माण में कुछ ना कुछ तो पार्टिकल होंगे। जो पार्टिकल उसके निर्माण में भाग लेते हैं वे अवयवी कण कहलाते हैं। अब सवाल उठता है, जो भी पदार्थ है उसका निर्माण में कौन कौन से अवयवी कण भाग लिए होंगे? तो या तो परमाणु के मिलने से बना होगा, या फिर अणु के मिलने से बना होगा, या फिर आयनों के मिलने से बना होगा। यानी पदार्थ का निर्माण अणु, परमाणु या आयन के मिलने से होता है। तो इसके बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। लेकिन यहां पे समझना है कि जो भी पदार्थ है उसका निर्माण अत्यंत छोटे छोटे कणों के मिलने से होता है। ये कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे उसके बारे में विस्तार से आगे हमको जानना है। लेकिन यहां पे देखो पदार्थ, पदार्थ के बारे में हमने क्या बोला, पदार्थ का निर्माण अत्यंत छोटे छोटे कणों के मिलने से होता है। तो आप यहां पर देख सकते हो ये हमारा सॉलिड है, दूसरा हमारे यहां पर लिक्विड है और तीसरा आपके पास में क्या है, गैस है। इन तीनों में जो आपको ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा होगा, ये जो गोल गोल हमको ये पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसका सबका अवयवी कण है। ये सबका अवयवी कण है, यानी ठोस हो कि द्रव हो या फिर गैस हो, इनका निर्माण छोटे छोटे कणों के मिलने से होता है। लेकिन सवाल उठता है, जब सर इसका भी निर्माण छोटे छोटे कणों के मिलने से होता है, ये भी छोटे छोटे कणों के मिलने से बना और ये भी छोटे छोटे कणों के मिलने से बना, तो क्यों आखिर कोई सॉलिड बनता है, कोई लिक्विड बनता है और कोई गैस बनता है? अब इसके बारे में समझने के लिए चलते हैं। ठोस, आप देख सकते हो कि यहां पे ये जो सॉलिड है इसका भी आकृति आपको दिखाई दे रहा है। अब यहां पे एक जरा सा ध्यानपूर्वक समझिए, सॉलिड में जितने भी पार्टिकल है, जो अवयवी कण है, ये काफी एक दूसरे के नजदीक हैं, काफी नजदीक हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ होगा कि एक दूसरे कण को, यानी एक कण को दूसरा कण काफी मजबूती से पकड़ के रखा होगा। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि अंतर आणविक आकर्षण बल काफी मजबूत होता है। यानी ठोस पदार्थों में दो कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो काफी मजबूत होगा। जब मजबूत होगा तो ये एक दूसरे से काफी चिपक के है, लेकिन जैसे ही वो बल घटेगा तो एक दूसरे से कुछ ना कुछ दूरी पे जाएगा। तो आप यहां पे देख सकते हो जितने भी पार्टिकल हैं इसकी तरह से यहां पे पूरा क्लोज्ड नहीं है, ये एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा हटा हुआ है। लेकिन वही मैं गैस में चर्चा करूं तो गैस के कण इससे भी दूर दूर है। अर्थात हम कह सकते हैं ठोस के कणों के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल काफी मजबूत होता है, जिसके कारण से वे एक दूसरे के काफी नजदीक आ जाते हैं और ऐसा होने से उसका घनत्व तो बढ़ जाता है। वहीं यदि मैं बात करूं लिक्विड के बारे में, लिक्विड के कण ठोस की तुलना में थोड़े दूर दूर होते हैं, लेकिन गैस की तुलना में कम दूर है। ध्यान से समझिए, ठोस से ज्यादा दूर है, वहीं गैस से कम दूर है। तो हम कह सकते हैं कि लिक्विड में जो अंतर आणविक आकर्षण बल होगा वो ठोस की तुलना में कमजोर हो गया होगा। जब आकर्षण बल घटा होगा तो एक कण का दूरी दूसरे कण से थोड़ा सा बढ़ गया। अरे जब बल मजबूत रहेगा तो काफी चिपक के रहेगा, बल घटा तो थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा, बल और घटेगा तो ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा। वही बात है, सॉलिड में बल काफी मजबूत तो एक दूसरे को पकड़ के है, जैसे लिक्विड में बल घटा तो थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा, गैस में और बल घटा तो ज्यादा डिस्टेंस बढ़ा। तो हम कह सकते हैं सॉलिड का घनत्व सबसे अधिक है क्योंकि आकर्षण बल मजबूत है, लिक्विड का घनत्व इसकी तुलना में कम है क्योंकि आकर्षण बल सॉलिड की तुलना में कम है, और गैस का आकर्षण बल बहुत ही नगण्य पाया जाता है गैसों के कणों में। इसके कारण से इसके कण काफी दूर दूर हैं और इसका घनत्व सबसे कम होता है। ये बात तो समझ में आ गई। इसी में एक बात और आप समझो,
जब आकर्षण बल यहां पे ज्यादा है तो क्या एक कण दूसरे कण को मूव करने देगा, हटने देगा वहां से? नहीं। तो अगर यदि वहां से हटेगा नहीं तो हम यहां पे यह भी तो कह सकते हैं कि सर इसका घनत्व यानी आकर्षण बल मजबूत होने के कारण से इसकी गतिज ऊर्जा नगण्य होती है। क्या ठोस पदार्थ को मान लीजिए ये हमारे पास में ठोस मार्कर है, हम इसको यहां पे रख देंगे, क्या ये गति करता है? नहीं। क्यों? आकर्षण बल काफी मजबूत है, एक कण दूसरे कण में टाइटली पैक्ड है, ये तो एक दूसरे को छोड़ेगा नहीं। लेकिन यही मैं बात करूं अगर दी लिक्विड के बारे में, तो यहां पे आकर्षण बल कमजोर है तो पानी बहने लगती है। वहीं यदि बात किया जाए गैस के बारे में तो गैस उड़ने लगती है। अगर दी आप बात करो नहीं है, समझ में आता तो सिंपल से एग्जांपल उठा के ले लो ना यार, बर्फ, बर्फ की यानी पानी अगर बर्फ के रूप में है, यहां पे गौर से समझिए, अगर दी हमारे पास में पानी है, कौन सी चीज के बारे में मैंने चर्चा किया, पानी, ये हमारा एक चीज देखो, पानी सॉलिड स्टेट में किसके रूप में है तो बर्फ के रूप में है, लिक्विड यानी ये किसके रूप में, द्रव, गैस इस किसके रूप में, वाष्प के रूप में, हाँ या ना? तो यहां पे क्या है, देख पानी है हमारा तीनों अवस्थाओं में, ठोस, द्रव और गैस। ठोस के रूप में कौन सा चीज है हमारा, बर्फ, द्रव के रूप में पानी है और गैस के रूप में भाप, जिसको हम लोग वाष्प भी कहते हैं, कंप्लीट। अब यहां पे समझना ये है कि जब सॉलिड है बर्फ, बर्फ को कहीं पे रख दोगे क्या उसमें गति होती है? कोई गति ऊर्जा नहीं होती है। लेकिन जैसे वो गर्म होकर के द्रव अवस्था में परिवर्तित होगा उसकी गति ऊर्जा बढ़ जाती है। लेकिन अगर उसको और आप हीट करोगे, वाष्प के रूप में परिणत करोगे, तो उसकी गति ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि वो गैस उड़ने लगती है। तो हम यह कह सकते हैं कि ठोस का घनत्व सबसे अधिक, ठोस का घनत्व सबसे अधिक है, इसकी गतिज ऊर्जा सबसे कम, आकर्षण बल भी सबसे अधिक। द्रव के बारे में मैं चर्चा करता हूं, इसका घनत्व सॉलिड की तुलना में थोड़ा कम लेकिन गतिज ऊर्जा इससे ज्यादा, और गैस की गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा, क्योंकि दो कणों के बीच में अंतर आणविक आकर्षण बल नगण्य पाया जाता है। कंप्लीट। इसके आकार और आयतन के बारे में तो आप सबको पता है, ठोस का आकार और आयतन दोनों का दोनों क्या होता है, निश्चित। अरे सॉलिड, ये वाला मार्कर यहां पे हमारे हैंड में जैसा आकृति का यहां पे है, इसको कहीं पर भी लेकर के जाओगे इसका आकार वैसा ही रहेगा। आयतन मतलब ये जगह कितना लेगा, उतना ही जगह लेगा जितना अभी जगह ले रहा है। यह भी मैं बात करूं अगर लिक्विड के बारे में, लिक्विड को आकार, आकार परिवर्तित होता है। कैसे? ग्लास में पानी को यदि आप ग्लास में डालोगे, ग्लास का रूप धारण करेगा। उसी को बोतल में डालिए तो बोतल की तरह वो दिखाई देगा। उसी को अगर किसी अन्य बर्तन में डालोगे तो वो उस बर्तन का शेप ले लेता है। लेकिन अगर मैं बात करूं आयतन का, तो आयतन नहीं बदलता है, ध्यान से समझिएगा। अगर आपका एक लीटर पानी बोतल में है तो वो बोतल का पानी आपका ग्लास में भी जाएगा तो वो एक लीटर ही रहेगा, या किसी भी अन्य बर्तन में करोगे तो वो एक लीटर ही रहेगा। यानी आयतन में कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ उसकी आकृति बदली थी। अगर मैं बात करूं गैस का, तो गैस का आकार भी बदल जाता है और आयतन भी बदल जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अणुओं के बीच में अंतर आणविक आकर्षण बल काफी नगण्य होता है। गैस को जिस बर्तन में डालोगे वो उसका आकार धारण करेगा, यानी आकार बदल गया। आयतन मतलब छोटा बर्तन है तो वहां तक फैलेगा तो छोटा आयतन है, उतना सा जगह में है। अब बड़े बर्तन में डालेंगे तो बड़ा जगह पे वो फैल जाएगा, तो आयतन भी वो क्या करेगा, परिवर्तित करेगा यानी बदल लेगा। कंप्लीट हो जाते हैं। तो ठोस, द्रव और गैस के बारे में हमको गुण समझ में आ गया कि इसके गुण को हमको कैसे कैसे देखना है। तो अब हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस का गुण का एक ग्राफ बना लेते हैं, जिस ग्राफ की मदद से पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव्स आपका बनेगा। तो सबसे पहले यहां पे चर्चा करते हैं कौन सा, सॉलिड। सॉलिड में यहां पे सभी देखोगे, ठोस में जो यहां पे सवाल है आकार, ठोस का आकार क्या होता है, निश्चित या अनिश्चित? अरे ठोस को जहां पे जिस आकार का, यहां पे हमेशा वही आकार करेगा ना, तो ठोस का आकार क्या होता है, निश्चित। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पूरा अगर लिखेंगे तो यहां पर हो सकता है गजमज गजमज ज्यादा हो जाएगा, इसलिए ठोस का आकार क्या है, निश्चित। द्रव, लिक्विड को आप जिस भी बर्तन में डालोगे वो उसका आकार धारण करेगा, मतलब फिक्स नहीं है, ये चेंज हो रहा है। तो हम द्रव में कह सकते हैं इसका आकार क्या है, अनिश्चित। कंप्लीट।
और गैस, गैस का भी तो वही हाल है, आप जिस भी बर्तन में डाल रहे हो उसका शेप धारण कर रहे हैं, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अनिश्चित, कंप्लीट। वही यदि मैं बात करूं आयतन का, मतलब स्थान में क्या जितना जगह ले रहा था उसमें भी चेंजिंग है, सॉलिड यहां पे जितना जगह लेगा तो इसको कहीं पर भी लेके जाओगे इतना ही जगह लेगा, तो ये क्या होगा, यह निश्चित होता है, कंप्लीट। लेकिन वहीं पे अगर यदि बात किया जाए द्रव आयतन, अभी तुरंत मैंने बताया एक लीटर पानी है उसको किसी भी चीज में डालोगे आकार चेंज कर जाएगा लेकिन आयतन चेंज नहीं करेगा, चेंज नहीं करेगा तो मतलब निश्चित है, तो हम यहां पर कह सकते हैं आकार भी क्या है हमारा, निश्चित है। वही अगर गैस के बारे में, गैस का आकार क्या हो जाता है, अनिश्चित। अब देखते हैं ठोस द्रव तथा गैस के बीच में जो अंतरणविक आकर्षण बल है वो कैसा है। ठोस द्रव तथा गैस के अणुओं के बीच में आकर्षण बल, आपने अभी तुरंत क्या पढ़ा था कि ठोस के बीच में अंतरणविक आकर्षण बल काफी मजबूत, गौर से समझिए, जब आकर्षण बल मजबूत है तो हम यहां पे कह सकते हैं आकर्षण बल, अंतरणविक आकर्षण बल सबसे अधिक। जब एक बात समझो, आकर्षण बल अधिक होगा तो दो कण एक दूसरे के काफी नजदीक आ जाएगा, तो क्या इन दोनों कणों के बीच में स्थान है, बिल्कुल भी नहीं है, तो हम कह सकते हैं अंतरणविक स्थान क्या होते हैं भाई यहां पे, नगण्य या फिर बहुत ही कम होगा। यही भी मैं बात करूं द्रव के बारे में, द्रव के अणुओं के बीच में अंतरणविक बल, आकर्षण बल और अंतरणविक स्थान दोनों एक शब्द में ले रहा हूं, यहां पे ठोस में आकर्षण बल सबसे मजबूत लेकिन द्रव में आकर्षण बल ठोस से कम लेकिन गैस से अधिक, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं ठोस से कम तथा गैस से अधिक, गैस से अधिक। अब यहां पे अगला टॉपिक हमारा क्या है, गैस में, अरे गैस में अंतरणविक आकर्षण बल नगण्य होता है, गैस में अंतरणविक आकर्षण बल क्या होगा, नगण्य या फिर बहुत ही कम। जब आकर्षण बल नहीं होगा तो दो कण एक दूसरे से काफी डिस्टेंस पे चला जाएगा क्योंकि उसको बांध के रखने के लिए कोई बल नहीं है, जब काफी ज्यादा दूर चला जाएगा तो दूरी तो बढ़ जाएगा ना, दूरी बढ़ेगा तो हमारा निचला वाला टॉपिक क्या है, अंतरणविक स्थान, तो अंतरणविक स्थान यहां पर क्या हो जाएगा, सबसे अधिक, कंप्लीट। अब यदि मैं बात करूं किसके बारे में, द्रव का अंतरणविक स्थान क्या हो जाएगा, द्रव का अंतरणविक स्थान ठोस की तुलना में अधिक लेकिन गैस की तुलना में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा अंतरणविक स्थान, कंप्लीट। फिर अगला हमारा टॉपिक है घनत्व, घनत्व के बारे में भी मैंने तुरंत बोला, जब आकर्षण बल मजबूत रहेगा तो एक कण दूसरे कण के काफी कमजोर यानी निकट रहेगा तो घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहां पे हम लिख सकते हैं इसमें घनत्व सबसे अधिक किसमें घनत्व होगा, ठोस में, और गैस में घनत्व क्या होगा, सबसे कम। और अगर यदि द्रव के बारे में, इन दोनों के बीच में आएगा, हम कह सकते हैं इसमें सबसे अधिक था तो द्रव में ठोस से कम लेकिन गैस की तुलना में इसका घनत्व क्या होगा, अधिक होगा। वही यदि बात की जाए गतिज ऊर्जा, तुरंत अभी मैंने बताया था गतिज ऊर्जा, सबसे अगर यदि गतिज ऊर्जा देखा जाए ठोस के कणों के बीच में आकर्षण बल मजबूत होने के कारण से काफी नजदीक है वो कण, एक दूसरे को गति नहीं करने देता है तो गतिज ऊर्जा इसमें सबसे कम होगा और गतिज ऊर्जा इसमें सबसे क्या होगा, सबसे अधिक, कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है, ये समझ में आया, इसके गुणों में आपने तुलना करके देख लिया। अब जो हम लोगों का अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे ये जो सॉलिड है, सॉलिड का वर्गीकरण आप बंध के आधार पर कैसे करते हो, क्या है क्रिस्टलीय सॉलिड, क्या है अक्रिस्टलीय सॉलिड। उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहा होगा, तो अगर यदि वीडियो पसंद आया तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ लाइक बटन को अवश्य प्रेस करें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में, अपने सभी मित्रों में भी शेयर करें ताकि वे भी इस फ्री क्लास का हिस्सा बन सके, क्योंकि स्थिति ऐसी बनी हुई है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो पूर्णिया से दूर रह रहे हैं या फिर पैसे की प्रॉब्लम की वजह से
वो कहीं पे एप्लीकेशन पे क्लास नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने जैसे बताया कि आपको यहाँ पे फ्री क्लासेस दी जा रही है, बिल्कुल फ्री क्लासेस रहेगी आप लोगों के लिए यूट्यूब पे। तो सभी से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा छात्रों को इस चैनल पर जोड़ने का प्रयास करें ताकि सभी इसका फायदा उठा सके। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।